गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी विद केवी और मैं हूं आप लोगों के साथ में केवी। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में कोई स्किन केयर कोई हेयर केयर शेयर नहीं करने वाली हूं। इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूं, थंबनेल और टाइटल से आप समझ गए होंगे कि रिसेंटली मैंने मेरा गूगल एडसेंस का पिन जो है वो रिसीव किया है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये मुझे किस तरीके से रिसीव हुआ और इसके रिसीव होने से पहले कितने सारे थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे थे, क्या सोच रही थी मैं इसे लेकर, क्या नहीं सोच रही थी, डरी हुई थी, और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ गूगल एडसेंस का पिन जो कि मुझे कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है। तो गाइज, ये है हमारे गूगल एडसेंस का पिन, मैंने अभी ओपन कर दिया है और इसके अंदर होता है गूगल का पिन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिन होता है एक न्यू यूट्यूबर क्रिएटर के लिए। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं कि हमें अर्निंग मिलती है, वो अर्निंग किस तरह से हमारे तक पहुंचती है तो उसे लेकर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आपको सबसे पहले एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना पड़ता है, उसमें आपको वीडियोज अपलोड करने पड़ते हैं और यूट्यूब का कुछ क्राइटेरिया होता है लाइक 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। ये क्राइटेरिया आपको यूट्यूब देता है। आपके चैनल पे 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, आपको कुछ प्रोसेस करने होते हैं, उसके बाद आपका चैनल अंडर रिव्यू में जाता है और उसी टाइम पे आपको एडसेंस अकाउंट भी क्रिएट करना होता है। जैसा कि मैंने भी किया था, उस टाइम पे एडसेंस अकाउंट को क्रिएट किया था और मेरा चैनल अंडर रिव्यू में गया था। उसके बाद यूट्यूब ने मेरे चैनल को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज किया, यूट्यूब ने मेरे चैनल को एक्सेप्ट किया और मेरे चैनल को मोनेटाइज किया। तो यहाँ पर हमने एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया था जहाँ पर हमारी अर्निंग के सारे पैसे हमें मिलते हैं डॉलर्स के रूप में। तो उसके बाद चैनल मोनेटाइज होने के बाद धीरे धीरे $1, $2, $3 इस तरह से होते हैं हमारे एडसेंस अकाउंट में, और जब एडसेंस अकाउंट में हमारे $10 हो जाते हैं उसके बाद में हमें गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करना होता है। जब मेरे $10 कंप्लीट हो गए थे उसके बाद में मैंने गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई किया। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें एक पिन मिलता है जो कि हमें हमारे एडसेंस अकाउंट में फिल करना होता है। ये जो पिन होता है ये आपको किसी के साथ में शेयर नहीं करना है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके एडसेंस अकाउंट के लिए। तो ये वाला पिन आपको इसमें फिल करना होता है। मैंने अप्लाई किया था, उससे पहले मैंने बहुत सारे क्रिएटर के वीडियोस देखे थे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे जहाँ पर बताया जा रहा था गूगल का जो पिन होता है वो आपको रिसीव होता है। लेकिन अगर आप किसी गांव एरिया में रहते हैं, किसी गांव कस्बे एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर गूगल पिन का आना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और मैं रहती हूँ गांव एरिया में। सो मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी कि मैंने गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई तो कर दिया है लेकिन क्या वो मेरे गांव तक पहुँच पाएगा, क्योंकि मैंने इतने सारे वीडियोस देखे थे, ये सारी चीज़ें देख के मैं बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। जब मैंने अप्लाई किया था तब मुझे नोटिफिकेशन आया था कि मुझे 3 से 4 हफ्ते में मेरा गूगल पिन मिल जाएगा। फाइनली कल जो है मेरा गूगल एडसेंस पिन मुझे रिसीव हुआ और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग शहर में रहते हैं सिर्फ उन्हें ही गूगल पिन मिलेगा, गाँव वाले लोगों को दिक्कत जाएगी, परेशानी जाएगी। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, गूगल एडसेंस पिन को अप्लाई करने के लिए जब भी आप एड्रेस फिल कर रहे हैं आपको एड्रेस बिल्कुल अच्छी तरह से फिल करना है और वहाँ पर आपको आपका फ़ोन नंबर भी फिल करना है कि बाय चांस अगर ऐसा होता है कि अगर पोस्टमैन आपके एड्रेस तक नहीं पहुँच पाता है तो वो आपको डेफिनेटली कॉल लगा सके, इसलिए आपको अपना नंबर भी फिल करना चाहिए जो कि एनी टाइम ऑन हो। तो गाइस, जब मैंने अपने गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई किया था एड्रेस को मैं बार बार चेक कर रही थी कि कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और मैं बहुत ही ज़्यादा गाँव एरिया में रहती हूँ और आज से पहले कभी भी इस एरिए में गूगल पिन मुझे तो नहीं लगता कि किसी का आया है, इसलिए मैं थोड़ी सी घबराई हुई थी। बट टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि YouTube को भी आजकल पता है कि हर गांव कस्बे में YouTube के क्रिएटर निकल कर आ रहे हैं, तो वो आपको बहुत इजीली गूगल पिन प्रोवाइड कर देंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एड्रेस अच्छी तरह से फिल करना है और आपको आपका मोबाइल नंबर भी उसमें फिल करना है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको कॉल कर सकें। तो गाइस, यही है मेरे अभी तक के YouTube की जर्नी, YouTube चैनल बनाने से लेके और ये गूगल एडसेंस पिन आने तक की जर्नी। एंड आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये खुशी मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही मिली है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बना रहेगा। अगर आप भी अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो गाइस बिल्कुल देर करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अगर आप भी चाहते हैं, आपके अंदर भी कोई क्रिएटिविटी है जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो YouTube एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को लोगों तक शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ
एक ही मकसद था कि जिस तरह से मैं घबराई हुई थी, मैं डरी हुई थी कि मैं गांव एरिया में रहती हूँ तो मुझे गूगल एडसेंस पिन रिसीव होगा कि नहीं होगा, मैं जैसा सोच रही थी वैसा आप बिल्कुल ना सोचे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि एड्रेस वगैरह अच्छे से फिल करें, तो आप किसी भी गांव किसी भी कस्बे में रहते हैं आपको गूगल एडसेंस का पिन बहुत इजीली रिसीव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो एंड आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। तब तक के लिए बाय बाय।